विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अमेरिका पहुंची हैं। विदेश मंत्री इस दौरान अपने वैश्विक समकक्षों के साथ कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें भी करेंगी। 29 सितंबर की सुबह विदेश मंत्री सुषमा स्वराज संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित भी करेंगी। सोमवार को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संयुक्त राष्ट्र में एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का हाल पूछा। मादक पदार्थों के प्रतिरोध पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। कार्यक्रम के समाप्त होने पर ट्रंप के मंच से उतरने पर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत निक्की हेली ने सुषमा को गले लगाया और इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप से उन्हें मिलाया। खबर के मुताबिक सुषमा स्वराज ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुभकामनाएं लेकर आई हैं, तब ट्रंप खुश हो गए और उन्होंने पीएम मोदी के नाम एक संदेश सुषमा स्वराज को दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं भारत से प्यार करता हूं, मेरे प्यारे मित्र पीएम मोदी को मेरा अभिवादन दीजिएगा। आपको बता दें कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अमेरिकी दौरे को लेकर ये खबर आई थी कि इस दौरे पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात हो सकती है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर रुख में किसी प्रकार के बदलाव नहीं आने के चलते इस मुलाकात को रद्द कर दिया और इसी बात से पाकिस्तान परेशान होकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रहा है। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका की बढ़ती दोस्ती से भी पाकिस्तान खासा परेशान है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।